वो हिसाब नहीं कर सकेंगे, और जो कुछ कुरान में है वही सब कुछ अलहमद में है, और जो कुछ अलहमद में है वही सब बिस्मिल्लाह में है, और जो कुछ बिस्मिल्लाह में है वही सब कुछ बाय बिस्मिल्लाह में है। आप फरमाते हैं ना नुक्तुल्लती, उस बे का मैं एक नुक्ता हूँ, ये एक नुक्ते से मतलब एक राज है, जिसके हाथ में किसी चीज का नुक्ता आ गया वो कामयाब हो गया, ये बिस्मिल्लाह की बात है। बिस्मिल्लाह की अगर अलग अलग करके इसको देखा जाए, ये 19 हरूफ ऐसे नहीं अल्लाह ताला ने जमा कर दिए, जो कुरान है वो हरूफ की एक तरतीब है और बेमकसद नहीं, उसकी एक हरूफ का हिसाब है, हरूफ की तरतीब है, और फिर उसके अलावा उसकी एक कुव्वत है और उसके एक मैने हैं, उसके अंदर गुजरे हुए हालात आने वाले हालात सारे उसके अंदर मौजूद हैं। ये कुरान तमाम जितने गुजरे हैं हालात दुनिया में उसको बयान करता है, जितने आने वाले हैं उसको बयान करता है, जब ये हो रहे हो उसको भी बयान करता है। तो ये जो है और ये सारी बेस 19 के ऊपर है। तो जो हम इसम पढ़े अल्लाह ताला के, उससे ताल्लुक 19 का जरूर रखो। अब अव्वल तो ये कि अपने नाम के अदद के मुताबिक पढ़ो, अगर हो सके, अगर अदद मालूम ना हो सके तो फिर 19 का हिसाब से शुरू करो। अव्वल तो कोशिश ये करो कि अपना इसमें आजम निकाला जाए, और इसमें आजम निकालने का तरीका यही है कि अपने नाम के अदद निकाल करके जो एक इसम हो जाए, दो इसम हो जाए, तीन हो, वो मिलाकर पढ़े। लेकिन एक बात याद रखें कि किसी तरह किसी कीमत पर अल्लाह की जात को उसमें जरूर शामिल करो, क्योंकि इसके बगैर काम तो होगा लेकिन इस काम में जो अल्लाह की जात के साथ होगा